एक तरह से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग रेंज अधिक दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुश, या इंग्लिश में आप कुशा बोलिए। आप एक नाम सुना होगा लव कुश, प्रभु श्री रामचंद्र के दो बच्चे थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दो बच्चे थे, एक लव का एक था कुश, ये एक्चुअल में ऐसा ही कुछ नाम है, प्रोजेक्ट कुशा यानी कुश। लॉन्ग रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, नेम इटसेल्फ डिफाइंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, लॉन्ग रेंज अधिक दूरी हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा है क्या, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। ये 2028-29 के आसपास तक अभी आएगा, ठीक है, अभी रुको इस पर, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी। इस प्रोजेक्ट पे काम जो कर रहा है DRDO कर रहा है, DRDO के अंदर की एक एजेंसी है, डिफेंस रिसर्च एजेंसी, जो इसके लिए लगातार काम कर रही है। ये एक तरह से एक बड़ा ही इम्प्रूव्ड डिफेंस सिस्टम है, जो खास तौर से डिटेक्ट करेगा, जानकारी करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, किसी भी तरह के थ्रेट्स को जिसके रेंज के अंदर आ रहे हो। जैसे मान लो कोई स्टेल्थ फाइटर्स है, कोई एयरक्राफ्ट्स है, कोई ड्रोन्स है, या क्रूज मिसाइल्स है। स्टेल्थ फाइटर क्या होते हैं, ऐसे फाइटर्स जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिसमें उसका लोकेशन, उसकी आइडेंटिटी कर पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है थ्रू द हेल्प ऑफ रडार सिस्टम, उन सबको डिस्ट्रॉय भी कर लेता है, इवन डिटेक्ट करके फिर उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। बड़ा ही एडवांस सिस्टम है जो अभी डेवलप हो रहा है, प्रोजेक्ट कुशा के नाम से DRDO काम कर रहा है, और यह डिफेंस रिसर्च एजेंसी उसके पीछे एक पायनियर एजेंसी है जो लगी हुई है। इसमें कुल 3 लेयर ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं, इसके अंदर कुल 3 लेयर ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल होते हैं, अलग अलग डिस्टेंस के आधार पर। जैसे फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस सिस्टम जो होता है कुशा का, उसकी टारगेट होता है 150 किलोमीटर। सेकेंड लेयर जो इंगेज होता है वार करने का, वो होता है 250 किलोमीटर, और थर्ड लेयर का जो कैपेसिटी होता है वो होता है 350 किलोमीटर। तो यह 150, 250 और 350 किलोमीटर का एक रेंज है जो आपको यहाँ दिखता है। ओके, 150, 250 और 350 किलोमीटर का एक रेंज है जो फेज मैनर में अभी ये बन रहा है, इट विल इंडक्ट इन आवर डिफेंस सिस्टम बाय 2028-2029। यानी एक तरह से ये भी क्या है, एक भारत द्वारा विकसित किया गया एक इंटरसेप्टर है जो DRDO के इस एजेंसी के द्वारा विकसित हो रहा है, या DRDO द्वारा विकसित हो रहा है, एंड इट विल इंटीग्रेट इन डिफेंस सिस्टम बाई 2028-2029।